आज आम बनवा छतु गोटे बहुत ही स्वादिष्ट रेसीपी जोटा आप थे बनैले बारंबार बनवाक चाहिए। नमस्कार मु मधुस्मिता गोटे ओडिया चैनल आपण मन को स्वागत करदी। मो भिडी भल लगे लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को भूलें ताले डेरी नक आज रेसीपी को आरंभ करवा। प्रथम गोटे पैन रे मुझे मसला को ड्राई रोस्ट करी तो से मु दुई चम्मच धनिया गोटे चम्मच सौंफ नहीं गोटे चम्मच जीरा नहीं दुईटी शुखिला लंका दुईटी लवंग किसी गोलमरीच दुईटी गुजराती आ गोटे अलच नहीं सब जिनस को आम लो फ्लेम रे दुई रु तीन मिनिट पर्यंत भाजवा। देखूँ तो पैन रे बिल्कुल भी मुझे तेल देनी आपको ड्राई रोस्ट करार अच्छे या दुई तीन मिनिट लो फ्लेम रे भाजला फल देखिए मसलार बढ़िया बास्ना आरंभ हम सेत जाना भाजी जाइए और तापर आम आपको थंडा करके ग्राइंड करके गोटे पाउडर बनवा। दुई मिनिट पर मसला ये भाजी गला बढ़िया बास्ना आसला तो गैस फ्लेम अफ कर टिके थंडा करके मुझे गोटे छोट जारे ट्रांसफर करनी ग्राइंड करके पाउडर बनई नौ तो ये देखो मसलार आम पाउडर रेडी आपको सैड्रे रखा जावा नेक्स्ट प्रोसेस को। एबे छतु भाजापी मु दुई चमच तेल गरम कर तेल भल भाव गरम हो गले छतु को मु भल भाव धोईकी काटिकी रखी थी ताकू मैं पके नौ ये मु 400 ग्राम छतु यूज कर इनग्रीडियंटर लिस्ट मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि आपण देखि परबे। छतु को मीडियम फ्लेम रे भला भरे भाजिबा छतु भाजिया पई सेतरे हळदी और लूण पके कि भाजिबा ताले छतुटा जल्दी भाजी हबो सेतरु पानी जल्दी रिलीज हबो। एटि देखंतु केते पानी बाहरी आसलानी याको आमे मीडियम हाई फ्लेम रे भाजी कि पानी को भला भरे सोक हबा पई दबा और भला भरे छतु को भाजिया पई दबा। तो ये छतु भल भाव भाजी जाइए बिल्कुल ड्राई हो जाए आम गोटे बाउल रे काढ़ी नबा। एबे दुई चमच तेल गरम कर गोटे पैन रे मो पाखे ये कैप्सिकम मु चारकोणिया काटिक रखी किसी प्याज को काटिक रखी चारकोणिया करके दुई मिनिट पर्यंत आमको लो फ्लेम रे भाजबार अच्छे। जदि आपण को कैप्सिकम पसंद नहीं आप स्किप भी करें या बस आमको दुई मिनिट पर्यंत टिके सर्ते करार अच्छे ये भाजी गला तो ये मुझे गोटे प्लेट रे बाहर कर तो या रखीदे सैड्रे आमको आपको पर यूज करार अच्छे। एवं तरकारी तेल गरम करनाबा मु पूरा रोष सोरस तेल बनाऊँ कहीं सोरस तेल बहुत हेल्दी थाए। प्रथम खंडे दालचीनी आ गोटे शुखिला लंका पकईनबा एवं गोटे कप चप होता पिज पकईनबा पिज को भल भाव भाजवा पिज को भल भाव भाजवा दुई रु तीन मिनिट समय लगे। तापर दुईटी कंचा लंका को चप कर पकई नौ अदा रसुण पेस्ट टू टेबल स्पून माने दुई चमच पकई नौ एवं लो फ्लेम रे आम कंचा लंका और अदा रसुण पेस्ट को भी पिज सांगे भाजी नबा। देखो मसला ये टे भाजी आसला एवं अधा चमच हल्दी पाउडर आ गोटे चमच लंका गुंड पकई नबा लो फ्लेम रे भल भाव गोल नबा। एबे मुझे दुईटी मीडियम साइज रो टमाटर को प्यूरी बनई रखी माने ग्राइंडर रे ग्राइंड करके रखी थी ताकू मैं ऐड कर टमाटर पके सारा पर लुण भी पकई नबा छतुरी आम ऑलरेडी लुण पकईले तरकारी मुझे लुण पकईनि एका सांगे। चार रु पांच मिनिट मसला को भल भाव कसवा मसला भल भाव ड्राई हो तेल छाड़ पर्यंत आउ ये देखो तो मसला भल भाव ड्राई हो गला तेल छाड़ा एवं मुझे गोटे चम्मच कसूरी मेथी ताको हाथ में गुंड करके पकई नौ बहुत बढ़िया टेस्ट आसव कसूरी मेथी रे आ फ्लेवर भी भल दब एवं या को आम भल भाव थे गोली नबा। मुझे रेसीपी को बटम छतु बनई पाल छतु भी बनई पारे एवं भाजिक रखी छतु ये मिसई नबा आपण ये तरकारी जदि चाहती आलु भी पकई पारे भाजिकी छतुआ मसला को गोटे मिनिट पर्यंत भल भाव कसवा। गोटे मिनिट पर मुझे गोटे ग्लास पानी दे दूची तो मुझे अधा ग्लास पानी देली थरे गोले नौ मो भल भाव एवं बाकी पानी तक भी मुझे नौ तो पखापाखि गोटे ग्लास पानी लगे ताठू बेस पानी लगेनि ये तरकारीटा टी शुखिला या तेणु बेस झोल रखे लुण मुझे एका सांगे पकई नहीं थी जदि आपण लुण किसी एड करें ये टाइम पकईने
एबे झोल को टिके फुटिया पेन दबा। एबे जो मसला हमें ग्राइंड करके रखले से दुई चामच एथरे पके नबा। बाकी मसला को आपण कोनसी एयरटाइट डब्बा रे स्टोर करके रखि देबे आ ताको नेक्स्ट टाइम कोनसी पनीर रेसिपी किंबा छतु रेसिपी रे आपण यूज करि परिबे। एबे फलाब रे मसला को तरकारी रे गोळी नबा, कवर कर नबा लो मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट पर्यंत फलाब रे कुक हवा पें दबा। ग्रेविटा बिल्कुल छतु रे मिसिबा पर्यंत हमको समय लागिबो, तेणु 5 रु 6 मिनिट याकु कुक हवा पें दबा। 6 मिनिट पर एटी कवर खोली नेइछि मु। एबे 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड करनबा तरकारी रे, या फल रे आमा तरकारी बहुत ही चटपटा तयारी हबो। संगरे भाजी के रखिथिबा प्याज ओ कैप्सिकम भी पके नबा। एबे भला परे सब जिनस को गोळे नबा, संगरे पके नबा गरम मसला पाउडर गोटे चम्मच। एटा मोर होममेड गरम मसला, या रेसिपी ऑलरेडी अपलोड हो जाइछि, आपण ऊपर स्थवा लिंक रे क्लिक करके देखि परबे। एबे सब जिनस को गोळे के कवर करके गोटे रु 1.5 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे कुक करबा। एबे मो कवर खोल नै छि 1.5 मिनिट परे। एबे 2 चम्मच क्रीम ऐड करनो छि, आपण खीरो सर भी ऐड करि परिबे, किंबा जदि आपण को क्रीम पसंद नै आपण स्किप भी करि परिबे। एबे हमें याको भला बरे गोळी नबा। तरकारी रे क्रीम पके सला परे बेसी फुटे बनी आउ, तापरे हमें इथरे चॉप करके धनिया पत्र पके नबा। आउ एठे हमर तरकारी एबे रेडी हे छि, गैस रे फ्लेम ऑफ करनो छि। एबे गोटे सर्विंग बाउल रे सर्व करनबा। तो ये देखो छतु तरकारी हमरा केते सुंदर देखा आउ केते डेलीशियस देखा आपण निश्चय ट्राई करूँ। भात रुटी परटा सबुथे भल लगे। जदि मो रेसीपी आपण मन को भल लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलबेनि। आज रही नमस्कार।